नाम मेरा कांता तवरे और हरियाणा से रहने वाली हूँ। 2004 से जयपुर में सेटल है और अपने निवारू रोड पर ही मकान है। इंसान है ना, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अरे मेरे को तो लिखनी भी नहीं आती थी राइट कि मैं सही जगह पे हूँ और सही प्लेटफॉर्म पे हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अरे सफलता का इतना पीछे पड़ो, जब तक सफलता आपके कदमों में नहीं आ जाए ना, पीछा मत छोड़ो। महीपाल गुरुजी बोलते हैं कि एक दिन तो हसीना मान जाएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। माँ कसम क्या बताऊं, इतने पैसे आते हैं, छुट्टे उड़ाती हूँ। दुबई में गई अभी 3 फरवरी को, पहले बार फ्लाइट में बैठी, वो भी इंटरनेशनल। माँ कसम फ्लाइट में बैठते ही मैंने सोचा कि फ्लाइट के वॉशरूम तो देखूं कैसे है, तो मटक मटक के गई। 3 हेयर होस्टल बैठी है मैडम जैसी, उनके पास गई मैं, मैम दुबई कितनी दूर है? 1 घंटा। मुख आपकी लाइफ कैसी है, ये नौकरी करते हो क्या, ये बढ़िया है क्या? बहुत गंदी। अरे मेरे साथ आओ, महीने के 10 से 12 लाख कमाती हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। मैम बताओ जल्दी, मुख इधर आ जाओ। भीड़ हो रही थी क्यों, फ्लाइट में लोग ज्यादा थे, मैंने साइड में पकड़ा और बता दिया, मैम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रमोट करती हूँ, थायराइड बीपी शुगर कैंसर सब चीज का प्रोडक्ट है, और रिजल्ट बड़ा जबरदस्त है। बोली मैम मेरी मम्मी का शुगर है, मुख ले ले नंबर। और बोली मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, मुख जम्मू क्या, तू जम चले जाओ, वहां भी प्रोडक्ट आएगा। मैम ने नंबर ले लिए और जम्मू फ्लाइट से ही प्रोडक्ट भेज दिए। अरे अपनी सफलता का धुत तो खुद बजाना पड़ता है, फिर तो आ जाती है भीड़ बजाने के लिए। मैंने तो बता दिया अनपढ़ हूँ, मर्सिडीज में चलती हूँ रेड कलर की, और तुम्हारे एयरपोर्ट पे खड़ी है देख जाना। मेरी एक फ्रेंड थी, बोली आंटी एयरपोर्ट पे खड़ी करोगे तो गोभी खुद जाएगी, एक दिन के 2000 है। वो कोई बात ना, महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे ही रहेगी। फ्लाइट से उतरे, फट बैठे, बेल्ट लगाई, चश्मा लगाया, देसी ना आ गए। माँ कसम, अरे बिल्कुल अनपढ़ हूँ, 3-3 टोल काट के तो मैं 1 रोटी खाने जाती हूँ बाजरे की, क्योंकि इंसान अपनी औकात नहीं भूलता, मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, मजे आ जाते हैं। माँ कसम इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम होगा, मेरे जितनी भी प्यारी सिटी में ये सब मेरे डाउन में इतना अच्छा काम कर रही है। माँ कसम मजा आता है जब मैम कह के बोलती है ना, मेरे बेटे बेटी ये बैठी बढ़िया पपीता काटती है और बनाना, मम्मी नाश्ता कर लो क्योंकि छुट्टे देती हूँ, बाजार में जाते हैं ना छुट्टे नोट। अब मेरे को तो पता नहीं था दुबई में माला माल बाजार है ना गोल्ड का, तो उसमें गए तो उसमें वो कौन से थे, चाऊ चाऊ बोलू मैं तो, इंग्लिश तो बोलनी नहीं आती, वो फिल्सिंग लड़की थी छोटी छोटी, तो मैंने बोला मैम चाय पीनी है, तो वो चाय समझे नहीं, किरसन सर बोले टी, तो बोले कितने लोग हैं, बोले 18, हाँ इतने लोग। अरे इंडिया में जब ज्यादा लोग होंगे जबी तो हमारा काम बढ़ेगा, तो मैडम हंसने लगी। माँ कसम कन्वेंस करना सीख लो, 3 रिंग इसमें पहरी, 2 कंगन पहरे, 1 इसमें, बिल देने वाला महेंद्र जी है। माँ कसम खट दे सिना काट दिया, अरे पति हो तो मेरा जैसा हो माँ कसम, नहीं तो नहीं, कुछ भी चीज मांग लू रानी, मैं तेरा, बच्चे तेरे, एटीएम तेरा, और क्या चाहिए मुझे। अरे तेल मुझे महंगा नहीं लगता, बोलती हूँ भाई भर दे। अब देखो वो क्या है, औकात नहीं भूलता इंसान अपनी। मैं बोली भाई पहले का तेल है उसका क्या करे, 2-2.5 किलो। अरे मैम टंकी में फुल हो गया। वहां समझे आते है जब चलती हूँ, अरे कैटरीना तो बन नहीं सकी, लेकिन दिखती हूँ माँ कसम महिपाल सर, जब मैंने फ्लाइट में अपना प्रोडक्ट बेच दिया।
अरे कैटरीना कैमरे के सामने बेचती है, मैं सरेआम बेचती हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। वह झूठा, हरियाणा में क्या है, लड़की के पति को बटेऊ बोलते हैं। तो मेरी माँ है 80 साल की, बोली बेटा बटेऊ पहले तो भोज में था, फिर कुत्ता बेचने लगा, अब क्या डब्बा सा बेचे। मैंने बोला माँ बेचने वाला अमीर होता है, अमिताभ बच्चन भी फिल्मों से अमीर नहीं हुआ, नवरत्न तेल बेच के अमीर हुआ है। मैडम आईडी दे देना, अमीर बना दूंगी आपको, 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए महीने पे ला दूंगी आपको, मेरे साथ 15,000 रुपए दे देना। अरे बोलने से पैसा आता है। अरे माँ कसम आपके साथ हूँ मैडम, मैं महिपाल सर, आप 2 सीटर लाए हो, मुझे भी दिलाओ, मैं और महेंद्र जी बच्चे नहीं बैठेंगे, दोनों फील्ड में निकलेंगे। अरे क्या है, भीड़ में बढ़ जाओ सफल हो जाओगे। अरे धक्का मार मार भीड़ सफलता मिला देगी, सफलता के रास्तों पे भीड़ नहीं होती, तो इसलिए सफलता का रास्ता बहुत ईजी है। डीजे वाले भैया ज्वाइन हो जाओ, माँ कसम उंगली मारने की जरूरत नहीं है, नोट आके पड़ेंगे। बैंक में मैनेजर है ना, कुर्सी छोड़ देता है जब जाती हूँ, और वो मैडम आती है, क्या कूल कार, क्या कूल कार। मैम जिस दिन बैठोगे ना, लोग ऐसे देखते हैं, मुझे नहीं मेरी कार को देखते हैं। और अभी तो मनाली गए थे, ठंडोरी नसीब गुरु जी मिल गए, मैं नरेंद्र सर को लेगी सन रूप में, मुझे ठंड नहीं लग रही, बोल ऐसे खड़ी मैं, मार्क्सो इतना अच्छा लग रहा, इतना अच्छा लगता। अरे जब गाड़ी रुकती है ना, लोग देखते हैं रईस खानदान से है, माँ कसम बड़ा जी खुश होता है, इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम होगा, माँ की कसम महेंद्र जी को ब्रांड बना के ही दुनिया से जाऊंगी, कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अकाउंट में होगी, नहीं तो नहीं होगी, माँ की कसम। मेरी माँ 80 साल की है। थैंक यू थैंक यू। लोग है ना घूमने जाते हैं पैसे लगा के, मैं घूम घूम के पैसे कमाती हूँ। दुबई में थी नसीब सर, कैंपिंग थी, और वहां तो क्या धीरम चलते हैं, धीरम, अब मेरे को इंग्लिश नहीं यार, मुख भाई दे दे धीरम बिरम गिराम जो भी है दे दे। माँ कसम वहां गए ना रेत में घूमने, 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के गई मैं, तो वो था पाकिस्तानी, तो मैंने तो वीडियो कॉल कर रखी, मेरी रिच लोगों के साथ लिस्ट है, रिच लोगों में रहना सीख लो, रिच बन जाओगे, गरीब में रहोगे तो गरीब रह जाओगे। थैंक यू। मेरी माँ का है ना मुंह में दांत नहीं है सर, महिपाल सर डेंटोडॉक यूज करती है, तो क्यों वो थोड़ा अंदर चला जाता है ना तो खाया पिया पच जाता है, और मजे से घूमती है, बेटा आए ना जब दो डेंटोडॉक रख लेना, मगर माँ याद करेगी। भतीजा बोल रहा बुआ जी डॉक्टर नहीं बनगी, क्योंकि हरियाणा से हूं ना ऐसे ही बोलते, मगर बेटा डॉक्टर नहीं तो नहीं हूं, लेकिन डॉक्टरनी से कम भी नहीं हूं। समय कम है, मेरे अपलाइन, मेरे भगवान, मेरे मेंटर महिपाल सर, शिव कुमार सर, नसीब गुरुजी, संदीप सर, जितने भी अचीवर हैं, मैं उनके चरणों में नमन करती हूं। अगेन मैं अपने पति महेंद्र जी के चरणों में नमन करती हूँ। क्या करेगी कैटरीना, और क्या करेगी करुण करीना कपूर, एसलीपीएस की मैं हूँ सेलिब्रिटी।